आप सबने बहुत सारी 3D शेप्स देखी होंगी, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। आप अपनी डेली लाइफ में ये सारी शेप्स देखते हैं। बहुत सारी कलरफुल शीट्स हो सकती हैं, या फिर घर में पड़ी कुछ रफ शीट्स हो सकती हैं। हेलो बच्चों, आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं वेलकम करता हूँ। आप सबने बहुत सारी 3D शेप्स देखी होंगी, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। आप अपनी डेली लाइफ में ये सारी शेप्स देखते हैं, बट आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ये शेप्स बनती कैसे हैं बच्चे? इनकी 2D फॉर्म को हम बोलते हैं नेट्स। तो आज हम नेट की मदद से बनाना सीखते हैं क्यूब। एक क्यूब आखिरकार क्या होता है बच्चे? एक डाइस आपने जरूर देखा होगा। एक स्क्वायर की 3D शेप्स को हम क्यूब कहते हैं। आपके पास बहुत सारी कलरफुल शीट्स हो सकती हैं, या फिर घर में पड़ी कुछ रफ शीट्स हो सकती हैं। आप उनको यूज करके बच्चे एक क्यूब को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हम रफ शीट लेते हैं, और बच्चे इस रफ शीट में हम देखिए क्या करेंगे। अगेन हमारे पास एक स्केल है, इस स्केल की मदद से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लाइंस को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने स्केल की फुल लेंथ को लिया और हमने ये लाइंस को ड्रॉ किया। अगेन बच्चे हमने यहाँ पे इस तरीके से 3 लाइंस को ड्रॉ करना है, 3 कॉलम्स को बनाना है। चलिए हमने यहाँ पे हमारे 3 कॉलम्स बना लिए हैं। तो आप सबने बच्चे इतने मीनवाइल में आप सभी कमेंट सेक्शन में ये जाके जरूर बताइएगा कि आखिरकार एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। तो अब हमारे 3 कॉलम तैयार हो चुके हैं। अब हम बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स को फॉर्म करना शुरू करेंगे जो कि 2 यूनिट के बराबर होंगे। तो चलिए स्क्वायर्स को बनाते हैं 2 यूनिट के बराबर। अब हम कलर चेंज करते हैं, दूसरे यूनिट्स में इसको मार्क करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने सबसे पहला स्क्वायर बनाया है जो कि कुछ इस साइज में दिखेगा। फिर अगेन बच्चे एक और हमारा स्क्वायर, फिर अगेन ये हमारा 3rd स्क्वायर, एंड ये हमारा 4th स्क्वायर हो चुका है। सिमिलरली ये हम मार्किंग्स हम सिमिलरली इस वाली लाइन पे कर लेंगे। ये हमारा 1st स्क्वायर, 2nd स्क्वायर, 3rd स्क्वायर एंड 4th स्क्वायर, ये हमारे 4 स्क्वायर्स हो चुके हैं। तो चलिए इन स्क्वायर्स को अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए हमारे यहाँ पे 4 स्क्वायर्स बन चुके हैं। सेम स्क्वायर्स बच्चे हम यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे। सेम यहाँ पे एक स्क्वायर हमारा बन चुका है, सो ये हमारा एक और स्क्वायर हो गया। एंड सेम हम यहाँ पर भी एक स्क्वायर को फॉर्म कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब पेस्टिंग के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, कुछ मार्जिन को यहाँ पे एक्स्ट्रा कट करेंगे, जो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पे पेस्टिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन। चलिए अब ये जो हमारी शेप बन के आई है, अब हम इसको कट करने वाले हैं। तो फटाफट से इसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। अब आप सब देख सकते हैं हमारा एक स्क्वायर यहाँ पे निकल के बाहर आ चुका है। ये हमारा अप्रॉक्स नेट बच्चे तैयार हो चुका है। अब हम जैसे ही इस शेप को हम फोल्ड करेंगे, हम सब देख पाएंगे कि हमारा एक क्यूब तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस स्क्वायर को यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हैं, इनवर्ट्स फोल्ड करेंगे हम इन सारी शेप्स को। इसको भी हमने बच्चे इन्वर्ट फोल्ड किया है। तो ये देख सकते हैं हमारे 2 स्क्वायर यहाँ पे तैयार हैं। अगेन इस वाली साइड को हम पेस्टिंग के लिए यहाँ पे फोल्ड कर देते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा रिमेनिंग पोर्शन था जो कि पेस्टिंग के लिए यूज़ होगा। सिमिलरली बच्चे ये वाला पोर्शन भी हमारा पेस्टिंग के लिए यूज़ होगा। ये हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब हमारी लास्ट 2 रिमेनिंग साइड्स जिनको हमने यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब इन सभी शेप्स को बच्चे हम इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा क्यूब तैयार हो जाए। तो चलिए एक बार पेस्ट करने के बाद देखते हैं आखिरकार ये क्यूब बनता कैसे है। चलिए अब हम टेप या फेविकॉल की मदद से इस पोर्शन को हमारे क्यूब को ज्वाइन करते हैं। सो हमारे पास बच्चे ये वाली साइड है यहाँ पे, जिसको हम इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। हमारा एक एज इसके साथ ज्वाइन हो चुका है। सिमिलरली हम इस दूसरे पोर्शन को भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। चलिए ये भी ज्वाइन हो चुका है। अब हमें को बस ये टॉप पोर्शन को ज्वाइन करना है, तो फटाफट से इस टॉप पोर्शन को ज्वाइन करते हैं।
अब हमारा जो क्यूब है बच्चे ये तैयार हो चुका है। अब आप सब देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से स्क्वायर्स की मदद से बना हुआ है और ये एक हमारा 3D क्लोज शेप है। तो क्यूब की सारी प्रॉपर्टीज अब आपको पता है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया अब आप इजीली गेस कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में इसको जरूर लिखिएगा।